हेलो एवरीवन आज आज यूएस में पहला दिन और मुझे करना है दो इम्पोर्टेंट काम पहला है बैंक अकाउंट ओपन करना और दूसरा वॉलमार्ट इन दो चीज़ों से पहले मैं मिलूंगी अपने एक दोस्त से जहाँ पे वो मुझे बस और ट्रेन के बारे में बताएगा सो दैट यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आसानी रहेगी तो सबसे पहले बैंक अकाउंट के लिए हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है जो हमने नहीं लिया तो हम डायरेक्ट वॉक इन करेंगे अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो ठीक है वरना फिर अपॉइंटमेंट लेना होगा दूसरा वॉलमार्ट जाएंगे वहां से बेसिक क्रॉसिंग करेंगे सो दैट हम घर पर खाना बना सके बस स्टॉप घर से दो मिनट की वॉक पे है आने जाने के लिए इजी है अभी मैं मैप्स को फॉलो करते हुए जा रही यहाँ पे ना एग्जैक्ट कैश लेना होगा बस में जाने के लिए इफ नॉट आपको चेंज वापस नहीं मिलेगा मैंने एक स्टोर से चेंज लिया था टिकट का तो ड्राइवर को प्राइस पूछ के हमने टिकट ले लिया वन डॉलर सिक्सटी सेंस का था टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते बट मेरे पास अकाउंट नहीं है तो ये ऑप्शन मेरे लिए काम नहीं करेगा बस से ट्रैवल करना इजी है मैप्स में लोकेशन डाला और उसी को हम फॉलो कर रहे यहाँ पे मैप्स में सब कुछ बताएगा कि कौन सी बस लेना है कौन सी टाइम पर वो आएगी तो घर से आप सब कुछ चेक करके आराम से निकल सकते लोकेशन पे हम पहुंच गए लेकिन दोस्त को आने थोड़ा टाइम है हमने सोचा कि बैंक को कॉल करके चेक करते हैं इफ़ अपॉइंटमेंट मिल गया तो काम हो जाएगा एंड लकीली हमको अपॉइंटमेंट मिल गया था हाफ एन आवर बाद का कुछ मिला था एंड हम अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे जो अकाउंट ओपनिंग के लिए चाहिए बैंक यहाँ से शायद दस मिनट की दूरी पर है रास्ते में हमें डोमिनोज दिख गया तो हम खाने चले गए थे यहाँ पे मेन्यू में प्राइस नहीं है आपको सेलेक्ट करना होगा स्मॉल मीडियम या लार्ज देन वो आपको प्राइस बताएंगे। यहाँ पे ना प्राइस एरिया के हिसाब से है एंड पिज़्ज़ा आ गया था हमने पिज़्ज़ा खाया एंड हम निकल गए बैंक के लिए फाइनलीकाउंट ओपन हो गया कुछ दिन में हमारा डेबिट कार्ड पासबुक सब मिल जाएगा अभी मैं मिली है अपने दोस्त से एंड हम जा रहे हैं वॉलमार्ट यहाँ से वॉलमार्ट जाने के लिए पात लेना है तो मैंने टिकट ले लिया हमने मेट्रो कार्ड बॉडो किया था उसको रिचार्ज कर लिया सो दैट बार बार टिकट लेना ना पड़े लोकेशन पे आ गए यहाँ से कुछ टू मिनट्स की वॉक पे है वॉलमार्ट एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स है इधर देखने के लिए बट अभी हम वॉलमार्ट पे हैं सामान के लिए कार्ट ले ली फ़र्स्ट सेक्शन था फ्रूट्स का यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ है आपको सीजनल फ्रूट्स भी आराम से मिल जाएगा मैं यहाँ आने से पहले तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे बट आज मैं खुद लाइव देख रही तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कैसे लेना बिकॉज इतने सारे ऑप्शन हैं ना तो आप वो देख ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे ये वेजिटेबल का सेक्शन है इधर हम सोच रहे थे कि लेना क्या है एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग कि सब कुछ कैसे लेना है मैंने कभी ग्रॉसरी नहीं की थी इंडिया में सब कुछ मम्मी करते थे तो पता नहीं चलता था बट यहाँ पे खुद करना है ये रहे टमाटर जो हर डिश में जाते हैं मेरे हाथ से भी बड़ा है मैंने पहली बार यहाँ पे येलो टमाटर देखा सारा सॉस एंड सलाड का सेक्शन है ये मिक्स फ्रूट्स है जो ऑलरेडी स्लाइसड एंड पैक्ड है मैंने एक चीज नोटिस की है जो स्लाइसड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है ना उनके प्राइजेस थोड़े हाई है शायद वो ऑलरेडी स्लाइसड है इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें रेडी टू ईट है हर एक चीज के इतनी वेराइटीज है पहली बार में कुछ समझ नहीं आएगा बट धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे जैसे जैसे आप लोगे उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि किसका टेस्ट कैसा है ये ब्रेड का सेक्शन है अगर आप हलाल प्रिफर करते हो तो हर चीज़ आपको केयरफुली लेना होगा हर बार इंग्रेडिएंट में मेंशन नहीं रहता एंड कुछ नाम हमको समझ भी नहीं आते इसके लिए मेरे दोस्त ने कुछ टिप्स बताई जिससे चेक कर सकते कि हलाल है या नहीं जो भी आइटम आप लो उस पर के या यूडी होना चाहिए कि दो सिंबल्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट हलाल है इतने सारे ब्रेड्स के ऑप्शन हैं बट कुछ ही आइटम्स पे के या यूडी था तो हमें देख के लेना पड़ेगा जो भी हम ले रहे हैं। स्नैक्स का सेक्शन है इधर सब जरूरत का सामान आपको आराम से मिल जाएगा तो टेंशन की कोई बात नहीं है इधर आप पानी खरीद कर या नॉर्मल टैप वाटर भी पी सकते एंड ये लास्ट सेक्शन ड्रिंक का है जो हम कभी मिस नहीं करते जो जो इम्पोर्टेंट था सब हमने ले लिया ये मंथली ग्रॉसरी तो नहीं है इसलिए मैंने बिल का अमाउंट नहीं बताया कितना हुआ बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अभी सिर्फ चार बज रहे चार बजते ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई हमने कैब कर ली बिकॉज इतना सामान लेके ट्रेन से नहीं जा सकते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें